हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू येट अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम क्लैरिटी। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे हॉर्टिकल्चर चैप्टर को। तो इस चैप्टर के जो नोट्स है, कंप्लीट नोट्स है, आपको पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल में हमने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो हम आज इस पूरे पीडीएफ जो नोट्स है हमारे, उसमें हम देख लेंगे कि किन किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, किन किन इंपॉर्टेंट टर्म्स पर हमें फोकस करना है, जो कि जनरली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू कैन से फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज हॉर्टिकल्चर। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड फ्रेंड, आई लाइक टू से दैट यू कैन फॉलो अस इन आवर चैनल, दैट इज क्लैरिटी, और फॉर नोट्स यू कैन फॉलो अस इन आवर टेलीग्राम चैनल। द लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, राइट। तो हमारा जो पूरा चैप्टर होगा, हम इस चैप्टर में इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में रिसेंट स्टैट्स जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किए, वो हम देखेंगे क्या क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर देखेंगे हम, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रूट देखेंगे, फ्रूट को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं टेम्परेचर के बेसिस पे, वो हमें देखना जरूरी है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट विल बी अबाउट हॉर्टिकल्चर जोन्स ऑफ इंडिया, क्या क्या इंडिया में हॉर्टिकल्चर जोन्स है। नर्सरी लेआउट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग देखेंगे, इससे भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग होता क्या, ये कंसेप्ट भी हम समझ लेंगे और इसके टाइप्स को भी हम देखेंगे। देन मेथड्स ऑफ प्रूनिंग आ गए आपके, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉप वर्किंग एक टेक्निक होता है जिससे हम प्लांट को, ठीक है, रिजुविनेट करते हैं, वो भी हम देखेंगे। और इसके बाद हम आ जाएंगे मैच्योरिटी इंडिसेस को पढ़ते हुए, इंपॉर्टेंट हमारे जो फ्रूट क्रॉप्स है लाइक मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपाया, इनके वेराइटीज को हम देखेंगे और कौन कौन से वेराइटीज और उनके पेस्ट एंड डिजीज जो हमें याद रखने हैं, जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों को हम शॉर्ट में यहाँ पे देख लेंगे। और अब फिर जब आप रिवाइज करोगे इस पीडीएफ से, तो इन जो पॉइंट्स को जो मैं आपको बताऊंगा, इन्हें ध्यान रखते हुए आप रिवाइज करोगे, तो आसानी से आप सारे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट्स, उनको आप छोड़ सकते हैं फॉर टाइम बीइंग, बिकॉज आपके पास अभी टाइम की कमी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। और लास्ट में मैंने समरी भी प्रोवाइड कर दिया, अगर आपके पास पूरा टाइम नहीं है तो आप समरी के फॉर्म में क्या है, जो इम्पॉर्टेंट पोमोलॉजी फ्रूट्स है आपके पास, उनको मैंने रिवीजन पर्पज से जो कि पेज नंबर 30 में दिया गया है, वहाँ आप शॉर्ट में से पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरा चैप्टर अगर नहीं पढ़ सकते हैं, तो जस्ट ये रिवीजन जो नोट्स है, दैट इज पेज नंबर 30 से, उसको आप पढ़ ले जरूर, एटलीस्ट इतना तो आप कर ही लें। तो सबसे पहले अगर हम आते हैं हॉर्टिकल्चर पे, तो व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर, जैसा कि आपको पता ही है कि जो ये लैटिन वर्ड से बना हुआ, हॉर्टिस का मतलब होता है गार्डन एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में हम सारे चीज़ें पढ़ते हैं, ना ही फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स, स्पाइसेस, प्लांटेशन, तो बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। सिर्फ हॉर्टिकल्चर सब फ्रूट को ही रिलेट ना करें, बट इसके अंदर फ्रूट्स भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्लावर्स भी है, स्पाइसेस, प्लांटेशन, मेडिसिनल, एरोमेटिक प्लांट्स, सब कुछ हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है। तो अगर हम बात करें रिसेंट स्टैट्स की, ठीक है, तो रिसेंट स्टैट्स क्या क्या है आपके लिए जो अभी रिलीज हुआ है। तो अभी जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया आपके रिसेंट स्टैट, इसमें हमारे 2018-19 के जो डेटा है, ठीक है, वो अवेलेबल है फुल्ली। फाइनल एस्टीमेट्स है 18-19 के, और 19-20 के फर्स्ट एडवांस्ड एस्टीमेट है हमारे पास, तो हमें इसे देखना है। तो अगर हम बात करें हमारे एरिया के बारे में, तो इसे आपको याद रखना है। 18-19 में एरिया आपके पास कितना है, दैट इज 25.43, राइट। ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, आप याद रखें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर हमारे पास इतना एरिया है, दैट इज 25.43 मिलियन हेक्टेयर्स 18-19 में फाइनल डेटा है। और ये बढ़ के थोड़ा सा बढ़ा है, 25.61 हो गया 19-20 के फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट में। प्रोडक्शन की बात करें तो 310 है हमारा, जो कि बढ़ के 19-20 में 313 हो गया। तो जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया, इन दोनों डेटा को आप याद रखें, 25.43 टू 25.61, 310 टू 313, इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद नहीं रखना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो ये मैंने कुछ हाइलाइट्स दे दिए, इसे आप चाहे तो देख सकते हैं कि इन हाइलाइट्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो क्रक्स है वो मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है। तो इन हाइलाइट्स के एक बार आप पढ़ लें तो ये ठीक रहेगा आपके लिए, जिसे मैं अभी नहीं डिस्क्राइब करूंगा। तो अगर फ्रूट वेजिटेबल्स की हम बात करें, तो फ्रूट्स की टोटल प्रोडक्शन है 97, जो 310 टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है, उसमें फ्रूट्स का कंट्रीब्यूशन 97 है, वेजिटेबल्स का 183 है, जो टोटल ऑनियन पोटैटो वगैरह मिला के टोटल कितना हो जाता है 310.74, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 1920 के एडवांस एस्टीमेट। तो एडवांस एस्टीमेट के बारे में मैंने आपको ब्रीफ में भी बता दिया क्या है, तो जस्ट गो थ्रू दिस डेटा वंस, नथिंग टू एक्सप्लेन मच इन दिस।
अब हम आते हैं ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर में। तो हमारे एग्रीकल्चर में कौन कौन से ब्रांचेस है, जैसे कि एग्रीकल्चर के ब्रांचेस को हमने हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीकल्चर के कौन कौन से ब्रांचेस है, उसी तरह हॉर्टिकल्चर में भी बहुत सारे ब्रांचेस है। जो वर्ड यहाँ पे पोमोलॉजी यूज होता है, ठीक है, पोमोलॉजी इज रिलेटेड टू कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर जब भी दिख जाए तो वेजिटेबल से रिलेट कर लेना उस ओलेरिकल्चर को। फ्लोरिकल्चर नाम ही से पता चल रहा है, फ्लावर के लिए। प्लांटेशन क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं क्रॉप्स लाइक कोकोनट, अरिकानट, रबर, कॉफी, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि दे दे रबर एंड कॉफी आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, तो आंसर क्या होगा, प्लांटेशन क्रॉप। जितने भी एक्सपेंसिव, ठीक है, क्रॉप्स है वो मेनली प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर ही आते हैं। तो रबर, कॉफी, टी, ये सब सारे आपके हुए हैं प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर। आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा स्पाइसेस। स्पाइसेस तो आपको पता है जितने भी मसाले होते हैं, कार्डमम, पीपर, नटमेग, ये सारे इनके अंदर आते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स भी हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सी मैप, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कहाँ है क्या आप बता सकते हैं, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, जो हमने अपने पहले चैप्टर में हमारे पढ़े थे। अगर नहीं पढ़ा है आपने तो प्लीज आप रिवाइज कर सकते हैं, हमारे पहले चैप्टर में जाके हमने सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स को वहाँ कंपाइल किया है विद कोड्स, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो सी मैप आपको कहाँ है, सी मैप आपको याद रखना है, सी मैप इज इन लखनऊ, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट इज आवर यस मेडिसिनल के बाद कुछ पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप्स आ जाते हैं आपके। पोस्ट हार्वेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट बेसिकली टेक्नोलॉजी, जो अभी हार्वेस्टिंग करते हो, लाइक टोमेटो सॉस हो गया आपके, केचप हो गया, पैकिंग, स्टोरेज, वैल्यू एडिशन, ठीक है, ये सब सारे आपके पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आते हैं। मीन्स वट एवर यू प्रिपेयर फ्रॉम द रॉ मटेरियल आफ्टर प्रोसेसिंग द थिंग्स दैट कम्स अंडर पोस्ट हार्वेस्ट। तो ये सारे हो गए आपके ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, जैसे आपको याद रखना है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। तो टाइप्स ऑफ फ्रूट में आपके पास क्या क्या, ट्रॉपिकल फ्रूट्स है, सब ट्रॉपिकल है एंड टेम्परेट फ्रूट्स है। तो ट्रॉपिकल फ्रूट में आपके कौन कौन से आते हैं, बेसिकली आप समझते क्या हो, दिस इज ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस। तो जब भी अगर आप अर्थ, हमारा जो अर्थ है मान लो, ये इसको आप समझने की कोशिश करोगे, तो ये जो सेंटर वाला पॉइंट है जीरो डिग्री जो, ये इक्वेटर आपको पता होगा। तो इक्वेटर के जो इस साइड है एंड इस साइड है, दैट इज 23 डिग्री, ठीक है। 23 डिग्री ऊपर वाला होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाला होगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इक्वेटर के जो इस पार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के जो बीच वाला एरिया है, ये आपका हो जाता है सब ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिकल ये जो इक्वेटर के इर्द गिर्द जितने क्रॉप्स होते हैं वो इक्वेटोरियल क्रॉप होते हैं, ट्रॉपिकल क्रॉप्स होते हैं। और 23 डिग्री तक इधर उधर कैंसर और कैप्रिकॉन के जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। तो सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स इस एरिया में पाया जाता है, इस एरिया में और इस एरिया में। और ऊपर वाले जो ठंडे ठंड वाला जगह हो गया, जो आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल के पास है पोलर, वो ठंडे जगह में क्रॉप्स होते हैं, तो उसे हम टेम्परेट बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल इक्वेटर, सब ट्रॉपिकल, 23 डिग्री दोनों साइड, टेम्परेट क्रॉप इज रिलेटेड टू वेरी कूल टेम्परेचर। तो ये कुछ क्रॉप्स है बेसिकली, लाइक मैंगो, बनाना, पपाया, ठीक है, आपको याद रखना है ट्रॉपिकल गर्म जगह में होते हैं क्रॉप। सब ट्रॉपिकल की बात करें तो गुआवा, ग्रेप, सिट्रस, ये हमारे सब ट्रॉपिकल याद है, एक दो बार आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। टेम्परेट आपको पता ही है, जो सेब होता है वो कश्मीर वगैरह एरिया में होता है, ठंड जगह में होती है, तो वो टेम्परेट क्रॉप है। लाइक पीच, प्लम, ये सब जो एक्सपेंसिव क्रॉप्स हैं, ये बेसिकली क्या है, टेम्परेट क्रॉप्स है, आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है इसमें। तो ये टेबुलर फॉर्मेट में मैंने दे दिया, बहुत से टाइम इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंगो इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप। जैसे कि नाबार्ड में पहले प्रीवियस ईयर्स में आप देखोगे कोकोनट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कोकोनट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फ्रूट क्रॉप या हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तो कोकोनट जो है ट्रॉपिकल है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मैंगो देखिए ट्रॉपिकल है, सिट्रस भी आपके ट्रॉपिकल है, ग्रेप्स टेम्परेट है, ग्रेप्स आपको पता है बट कैन बी ग्रोन, बट ग्रेप जो है बेसिकली टेम्परेट, ठंडे जगह का क्रॉप है, ठीक है। इसी तरह से आप देख लेंगे बनाना ट्रॉपिकल, आलमंड टेम्परेट, तो ये बहुत ही आसान होगा, आप रिलेट करेंगे एक दो बार देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगा कौन सा क्रॉप ट्रॉपिकल है। देखो मैंगो तो गर्मी के सीजन में ही आता है, तो इसे तो ट्रॉपिकल ही होना है। सिट्रस, सिट्रस जो सब ट्रॉपिकल एरिया से आता है। ग्रेप, जैसा कि आप जाते हैं ठंडे जगह में ग्रेप का कल्टिवेशन अच्छा होता है, ठीक है, लाइक फ्रांस ले लो, फ्रांस में हमेशा क्या होता है क्लाइमेट कम रहता है, इसलिए ग्रेप जो है ठंडी जगह में अच्छा होता है, टेम्परेट क्रॉप हो गया। सपोटा, उसी तरह से सपोटा हमेशा गर्म, जो हमारे साउथ इंडिया में सपोटा का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और वहाँ अच्छा है, तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। पपाया की बात करें, ये भी एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो आप
इस तरह से रिलेट करके याद रखने की कोशिश करना कौन सा क्रॉप किस जगह से है। अब हम आते हैं अपने हॉर्टिकल्चर जोन्स। तो हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर जोन्स है, जैसे कि हमने क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ा है हमारे, ठीक, आईसीआर के क्लासिफिकेशन हमने देखा, एनबीएसएस एलयूपी के क्लासिफिकेशन को देखा, एफएओ के क्लासिफिकेशन को देखा, उसी तरह से अगर हम हॉर्टिकल्चर जोन्स ऑफ इंडिया में आते हैं तो आपको याद रखना है क्या है हमारे पास, थ्री, ठीक है, तीन क्लाइमेटिक हॉर्टिकल्चर जोन्स है हमारे पास, जैसे कि हमने डिवाइड किया सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल, ठीक है। ठंड, ठंडे जगह वाला टेम्परेट हो गया जो कश्मीर वगैरह एरिया में आता है, ट्रॉपिकल हो गया जो गर्म जगह में होगा, और सब ट्रॉपिकल दोनों के बीच में जो आता है टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल में। तो सब ट्रॉपिकल को फिर अगेन दो पार्ट और ट्रॉपिकल को भी तीन पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिवाइड कर लिया हमारे क्रॉप्स को, हमने आप मैप में से देख सकते हैं कौन सा क्रॉप कहाँ आता है, पीडीएफ में आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नर्सरी लेआउट, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का मतलब ही होता है गार्डनिंग, तो गार्डनिंग के लिए आपको नर्सरी जो है वो बहुत मस्ट है। तो जब भी नर्सरी की बात आती है तो डिफरेंट लेआउट्स यूज होते हैं हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। तो किस तरह के लेआउट को हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे डिपेंड्स करता है हमारे प्लांट डेंसिटी, हमें क्या चाहिए या फिर हमें किस तरह के क्रॉप्स हमें, ठीक है, कल्टिवेशन करने हैं। तो सबसे पहला जो नर्सरी लेआउट है आपके पास है रेक्टेंगुलर सिस्टम, नाम ही बहुत आसान है, जैसा है इस तरह का आपका सिस्टम होगा रेक्टेंगुलर, ठीक है। आप इस तरह से प्लांटिंग करेंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फैशन में, नथिंग टू मच रिमेम्बर इन दिस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट सिस्टम है दैट इज स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम भी एक क्या स्क्वायर प्लांटेशन होगा आपके पास। तो इट इज मोस्टली कॉमनली यूज मेथड एंड ईजी टू ले आउट, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है दैट इज स्क्वायर मेथड, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं हेक्सागनल में, तो हेक्सागनल में आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे 15% मोर प्लांटेशन होता है। कैसे ये हेक्सागनल है आप देखेंगे, इस तरह से ये हेक्सागन फॉर्म करता है ऐसे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने बेंजीन रिंग जरूर बनाया होगा, तो ये बेंजीन रिंग के तरह एक फॉर्म करता है, दिस इज हेक्सागनल। एक सेंटर में एक्स्ट्रा प्लांट आ गया यहाँ के साथ साथ, तो यहाँ पे 15% मोर प्लांटेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि हेक्सागनल प्लांटेशन में, ठीक है, कितने परसेंट मोर प्लांट एकोमोडेट होते हैं, तो 15% मोर प्लांट्स एकोमोडेट हो जाते हैं आपके हेक्सागनल सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट कंटूर सिस्टम, कंटूर सिस्टम हमेशा हम हिली एरियाज में फॉलो करते हैं, ठीक है, जहां भी स्लोप आपके कितने होते हैं 10% से ज्यादा होते हैं। ये आप देख रहे हैं हिली एरियाज, ये पहाड़ों में कंटूर सिस्टम यूज किया जाता है जहां पे स्लोप 10% या उससे ज्यादा होगा, ठीक है, स्लोप इज ग्रेटर देन 10%, आपको ये याद रखना है। एक और सिस्टम है दैट इज क्विंकल सिस्टम। क्विंकल सिस्टम में स्क्वायर पैटर्न ही है बट सेंटर में एक ज्यादा प्लांट आ जाता है आपके सामने, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि यहां आपके पास क्या है, एक एक्स्ट्रा प्लांट है, ठीक है। तो ये हम जनरली पपाया, कीनू, गुआवा के लिए यूज करते हैं क्विंकंक सिस्टम। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दैट इज ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं, ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी को गाइड करना, आप किसी चीज को या किसी, मान लो किसी स्टूडेंट को ही आप गाइड कर रहे हो, ठीक है, या फिर अपने जूनियर को गाइड कर रहे हो, तो ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू व्हाट योर, इट इज रिलेटेड टू गाइडेंस, आपको याद रखना है ट्रेनिंग से हम गाइडेंस से रिलेट करते हैं। और प्रूनिंग जो है, प्रूनिंग से हम रिलेट करते हैं कटाई छटाई से, आप किस तरह से ट्रिम कर रहे हो किसी चीज को। तो दोनों को आप क्लियर समझ लो, बेसिक फंडा समझ लो, ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू गाइडेंस एंड प्रूनिंग इज रिलेटेड टू ट्रिमिंग, कटाई छटाई से रिलेटेड है, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ कुछ, ठीक है, हम प्लांट्स में यूज करते हैं कब ट्रेनिंग यूज करना है, कब प्रूनिंग यूज करना है। तो इनके डिफरेंट टाइप्स है जिसे हम देख लेते हैं कि क्या क्या ट्रेनिंग के टाइप्स होते हैं और क्या क्या प्रूनिंग के टाइप्स होते हैं। तो जब भी हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रेनिंग का टाइप होता है सेंट्रल लीडर, ठीक है। सेंट्रल लीडर, जैसा कि नाम है आप समझ सकते हैं, सेंट्रल लीडर, इसमें हम एपिकल डोमिनेंस पे ध्यान देंगे। एपिकल डोमिनेंस का यह मतलब होता है, मान लो ये आपके पास प्लांट है, प्लांट्स के साथ साथ यहाँ लैटरल शूट्स भी होंगे, लैटरल स्टेम्स भी होंगे, ठीक है। प्लांट इस तरह से भी ग्रो कर सकता है और ये वर्टिकली ऐसे ऊपर की ओर भी ग्रो कर सकता है। तो सेंट्रल लीडर के कंसेप्ट हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें एपिकल डोमिनेंस चाहिए होता है, मीन्स हमें ये टॉप मोस्ट पोर्शन को और बड़ा करना है और बढ़ाना है, ठीक है। ये किस तरह के क्रॉप्स में यूज होगा, मान लो आपको बड रोज चाहिए, तो बर्ड रोज आपने देखा होगा कि आपके मेन स्टीम के साथ ही होता है, हमेशा आपको इस बर्ड को डेवलप करना है, तो वहां पे हम सेंट्रल लीडर कंसेप्ट यूज करते हैं। हम जो साथ वाले इसके जो लैटरल ब्रांचेस है उनकी कटाई छटाई हमेशा करते रहते हैं प्रूनिंग मेथड से,
प्रूनिंग से ये काटते रहेंगे हमेशा, और जो सेंट्रल जो एपिकल पोर्शन है इसको हम ग्रो करने देंगे. तो दिस इज आवर सेंट्रल लीडर सिस्टम. नेक्स्ट हम मूव करते हैं ओपन सेंटर. ये सेंट्रल लीडर सिस्टम के जस्ट ऑपोजिट है. यहाँ पे आप देख रहे हो उसमें हमने देखा था हम ये टर्मिनल वाले पोर्शन को ठीक है प्लांट के बढ़ने दे रहे हैं, बट ओपन सेंटर सिस्टम में क्या होगा, ये सेंटर जो है ये ओपन रहेगा और साइड वाले जो ब्रांचेज या स्टेम है उसको हम प्रमोट करेंगे ग्रोथ के लिए. ये ग्रो होंगे ना ही कि ये ग्रोथ होगा, इसके ग्रोथ को हम रोक देंगे ठीक है. कटिंग करके हम प्रमोट करेंगे साइड और लैटरल ग्रोथ. ये यूज होता है हमारे पियर और एप्पल प्लांट में. जितने ज़्यादा लैटरल ग्रोथ होंगे आपके ठीक है फ्रूटिंग्स उतने ज़्यादा होंगे, इसलिए हम यूज़ करते हैं पियर एप्पल में. कौन सा, सेंट्रल सिस्टम. नेक्स्ट हमारे पास मॉडिफाइड लीडर सिस्टम. मॉडिफाइड लीडर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस व्हाट वी हैव स्टडीड अबव. सेंट्रल लीडर ठीक है, इसके कंसेप्ट को भी हम याद रखेंगे, और जो हम जिसमें इसके साइड वाले को ठीक है ओपन लीडर सिस्टम, वो दोनों के कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं. मीन्स कुछ सालों तक हम एपिकल डोमिनेंस पे ध्यान देंगे, फिर हम क्या करेंगे ओपन लेडर सिस्टम पे इसको लेके आ जाएंगे, जिसमें हम साइड वाले ब्रांचेस को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे. तो दिस इज अ मॉडिफाइड लेडर सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द कंसेप्ट वी हैव स्टडीड अबव. दैट इज इसमें जो है एपिकल डोमिनेंस वाला पोर्शन भी यूज होगा कुछ सालों तक इनिशियली, फिर हम एपिकल डोमिनेंस वाले चीज को हटा देंगे, मीन्स कटाई छटाई वहां से कर देंगे, और साइड वाले जो आपके ब्रांचेस है लाइक दिस वी विल प्रमोट दिस ब्रांचेस टू. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अबव. तो ये सिस्टम भी एप्पल पियर एप्पल के कुछ वैरायटीज में ये सिस्टम भी यूज करते हैं. जरूरी नहीं है कि एप्पल को हम हमेशा ओपन लीडर या सेंटर से ही करें, हम मॉडिफाइड में भी कर सकते हैं. कुछ वैरायटीज है जिसकी रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है, तो ये भी आपके एप्पल पियर में यूज हो सकता है राइट. अगला सिस्टम आपके पास है कॉर्डन सिस्टम. तो कॉर्डन सिस्टम में इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लांट को गाइड कर रहे हैं लैटरली. ऐसे जो तारों से हम क्या करते हैं मेश बना देते हैं, और जो प्लांट के जो स्टेम्स है ठीक है वो इस तरह से आगे और बढ़ेंगे. तो देख रहे हैं हम ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, हम हमेशा गाइडेंस दे रहे हैं प्लांट को एक तरफ बढ़ने की ओर. पहले जो हमने लीडर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा, वो लीडर सिस्टम भी क्या कर रहे थे, गाइड कर रहे थे. कभी लैटरल की ओर गाइड कर रहे थे बढ़ने को, कभी एपिकल की ओर गाइड कर रहे थे बढ़ने को. यहाँ कॉर्डन सिस्टम में हम देख रहे हैं वायर्स के थ्रू ठीक है हम इसको ट्रेन करेंगे लैटरल ग्रोथ के लिए. उसी तरह से परगोला सिस्टम, जब भी परगोला वर्ड आ जाए तो आप उसे किस चीज़ से ध्यान रखेंगे, आप याद रखेंगे हमारे पास आयरन पोल्स होंगे या फिर हमारे पास कंक्रीट के पोल्स होंगे. तो बेसिकली आपने अगर ग्रेप गार्डन देखा हो तो ग्रेप गार्डन में इस तरह के स्ट्रक्चर्स हमेशा आपको मिलेंगे, जो ठीक है पिलर होंगे आपके, पोल्स होंगे, आयरन के होते हैं या फिर जनरली ये ग्रेनाइट या किसी स्टोन से ऐसे पिलर्स बनाए जाते हैं. फिर हम प्लांट्स को, हमारे जो अंगूर के जो प्लांट्स होते हैं या ग्रेप के प्लांट्स होते हैं उसको इस तरह से हम गाइड करते हैं. तो दीज आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ गाइडिंग द प्लांट्स. कॉर्डन सिस्टम हो गया आपका, लीडर सिस्टम हो गया, या ट्रेनिंग ऑन परगोला. तो ट्रेनिंग ऑन परगोला को आप हमेशा किससे रिलेट करेंगे, ग्रेप से या फिर गोड. जितने भी हमारे गोड प्लांट से रिलेटेड होते हैं लाइक लॉकी हो गया आपके ठीक है, इस तरह के प्लांट हमेशा हम ट्रेनिंग ऑन परगोला में करते हैं. ये हमारे पास कुछ ट्रेनिंग ऑन बेसिस ऑफ हाइट है. जब हम कटाई छटाई ट्रेनिंग के दौरान जब हम कटाई छटाई करेंगे इतने हाइट तक, डेट इज 0.7 से 0.9 मीटर तक, यू कैन से 700 सेंटीमीटर टू 900 सेंटीमीटर, लेस देन 1 मीटर ठीक है, ये सारा लेस देन 1 मीटर है. तो आपका यहाँ पे आ जाएगा लो प्रोनिंग. अगर ये 900 से 1.2 तक आ जाएगा तो ये आपका किसमें आ जाएगा, मीडियम हाइट प्रोनिंग. एंड 1.2 मीटर से ये अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया, तो दैट विल बी योर हाइट हेड प्रोनिंग. तो बहुत ही सिंपल है, 1 मीटर से लेस वाले जो हो गया वो लो प्रोनिंग में ठीक है. 1200 सेंटीमीटर तक अगर है तो वो मीडियम में आ जाएंगे, 1200 से ज़्यादा है दैट इज 1.2 इज द डिमार्केशन बेंच, इससे ज़्यादा हो तो किस में आ जाएंगे, हाई हेड प्रोनिंग में आ जाएंगे. तो फ्रेंड्स अब तक हमने देखा मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, मेथड्स ऑफ प्रूनिंग. तो ये आपके सामने कुछ मेथड्स ऑफ प्रूनिंग है. थिनिंग आउट, थिनिंग आउट इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. इसमें क्या करेंगे हम, दिस रिफर्स टू रिमूवल ऑफ ब्रांचेस एंटायरली फ्रॉम बेस. जितने भी प्लांट के बेस से, जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, बेस में आपको कोई भी ब्रांच नहीं दिख रहा है. तो ब्रांच से हम क्या करते हैं, सारे जितने भी आपके स्टेम या फिर जितने भी आउटग्रोथ लैटरल आउटग्रोथ से, इसको रिमूव कर देते हैं. ये हम थिनिंग आउट में आता है, ये मेथड्स ऑफ प्रूनिंग है. इससे पहले हम जितने हमने पढ़े वो मेथड ऑफ ट्रेनिंग है, जिसमें कि हम गाइड कर रहे थे हमारे प्लांट को एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में. प्रूनिंग मीन्स मैंने आपको बताया ट्रिमिंग, ट्रिमिंग का मतलब कटाई छटाई हम कर रहे हैं. तो थिनिंग आउट में क्या करेंगे हम, बेस में जितना जो लैटरल ग्रोथ है उनकी कटाई छटाई कर देंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपके पास आता है दैट इज हेडिंग बैक. ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है, VVI आप लिख लो. ये हेडिंग बैक से क्वेश्चन आता है. हेडिंग बैक जो है
प्रूनिंग मेथड है, जिसमें से आप क्या करोगे कि जो छोटा सा आपका जो इनिशियल ग्रोथ पॉइंट है उसको छोड़ के मेन स्टेम के बाकी सब की कटाई छटाई आप कर दोगे। दिस रेफर्स टू प्रूनिंग और कटिंग ऑफ मेन स्टेम और ऑल ऑफ यू ब्रांचेस लीविंग ए बसल पोर्सन, कुछ जो छोटा सा पार्ट है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, इसकी पूरी कटाई छटाई कर देंगे हम यहाँ से, जो ये छोटा सा पार्ट है इसको बस हम छोड़ देंगे। ये होता है हेडिंग बैक और ये सबसे ज़्यादा यूज होता है ग्रेप्स में। ग्रेप्स इज एन डिसेंट एग्जाम्पल ऑफ हेडिंग, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये प्रैक्टिस कब किया जाता है ये भी पूछा जाता है। अक्टूबर मंथ में जनरली हम क्या करते हैं, ग्रेप्स की प्रूनिंग करते हैं, दैट इज बाई किस मेथड से, हेडिंग बैक मेथड से। नेक्स्ट मेथड ऑफ आपके पास है, ठीक है, प्रूनिंग, दैट इज डिसबडिंग और रबिंग ऑफ के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इतने अपने लैटरल फ्लावर्स है, मान लो यहाँ भी फ्लावर आ रहे हैं, यहाँ भी फ्लावर आ रहे हैं, इसको हम काट के अलग कर देंगे, हटा देंगे। क्यों कर देंगे, ताकि हमारा जो टर्मिनल है, जैसे कि बर्ड रोज में होता है आपका, ठीक है, ये जो आपका टर्मिनल फ्लावर है इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, डिसबडिंग या रबिंग ऑफ यूज करते हैं फॉर गिविंग ए बेटर टर्मिनल ग्रोथ, जैसा कि लिखा, टू मेक द टर्मिनल बड टू गिव अ बिगर फ्लावर। यहाँ पे जो आपका बड़े बड़े फूल आएंगे तो हम यूज किस में करते हैं, डिसबडिंग या रबिंग ऑफ बोलते हैं हम इस मेथड को। यह भी एक मेथड ऑफ क्या है, प्रूनिंग ही है। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने डिसबडिंग, जिसमें आप सब देख रहे हैं फिगर में क्लियरली जो साइड के जो बर्ड्स है उसको रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, ये साइड बर्ड्स रिमूव कर देंगे तो हमारा जो टर्मिनल फ्लावर होगा वो बिगर होगा। सो दिस इज प्रैक्टिस्ड इन बडिंग या फिर रबिंग ऑफ बोल सकते हैं। ठीक, इसका ऑपोजिट है पिंचिंग या फिर टॉपिंग। इसमें आप क्या करेंगे कि आप टर्मिनल बर्ड को ही हटा देंगे, जो टर्मिनल सबसे ऊपर वाला है उसको आप हटा देंगे ताकि साइड वाले जो है ग्रोथ अच्छे हो सके। तो ये आप किस में प्रैक्टिस करते हैं, देसी कॉटन में यूज करते हैं ताकि लैटरल ब्रांचेस होंगे तो ज्यादा हमारे कॉटन का प्रोडक्शन ये बढ़ा सके। तो पिंचिंग एंड टॉपिंग जो कंसेप्ट है दैट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिसबडिंग या फिर रबिंग आप बोल सकते हैं। हेयर कम्स अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स इन डिफरेंट प्लांट्स एंड देयर सीजन। तो आपको इसमें से क्या याद रखना है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है और उस पर आप किस सीजन में ट्रेनिंग करते हो, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक एप्पल एक इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, एप्पल में आप हमेशा लेट विंटर में ट्रेनिंग करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लम, पीच, ये भी विंटर में, विंटर क्रॉप्स है तो मोस्टली देखो यहाँ पे एप्पल भी विंटर क्रॉप है, टेम्परेट क्रॉप है, पीच प्लम ये सब सारे विंटर क्रॉप्स है, तो लेट विंटर में हमेशा हम कर रहे हैं, देखिए दिसंबर जनवरी में याद कर रहे हैं, वेरी इजी टू रिमेंबर विंटर क्रॉप्स, तो विंटर में कर रहे हैं। ग्रेप किया जाए तो देखो ये स्पेशल केस है और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेप वाला एग्जाम्पल, जिसमें हम कब करते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, आपको दोनों याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया का क्योंकि सीजन अलग होता है ग्रेप का, साउथ इंडिया का अलग होता है। देखो यहाँ पे हेडिंग बैक आ गया जो मैंने आपको बताया था, तो जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे किससे कर रहे हैं, हेडिंग बैक से कर रहे हैं ग्रेप में, और ग्रेप में नॉर्थ इंडिया में लेट विंटर हो रहा है, जनवरी मंथ में कर रहे हैं हम नॉर्थ इंडिया में। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो हम प्रूनिंग जो है समर प्रूनिंग के नाम से जानते हैं, जैसे साउथ इंडिया वाले एज पर साउथ एज पर समर प्रूनिंग, जो कि हम अगस्त में कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है, किसी का आप याद रखो चाहे ना रखो, ग्रेप का तो बिल्कुल रखो कि हेडिंग बैक से कर रहे हैं हम प्रूनिंग ट्रेनिंग, एंड नॉर्थ इंडिया में दैट इज इन जनवरी, साउथ इंडिया में दैट इज इन अगस्त। सिमिलरली अगर हम मैंगो की बात करें तो मैंगो जब आप हार्वेस्ट कर लेते हो, ठीक है, गर्मी तक तो आपके मैंगो चले, हार्वेस्ट हो गए, तो उसके बाद विंटर सीजन में इसकी ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे सितंबर अक्टूबर मंथ में, वेरी इजी टू रिमेंबर। तो आप एप्पल ग्रेप एंड मैंगो के सीजन को याद रखें कि कब हम, ठीक है, ट्रेनिंग प्रूनिंग कर रहे हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट आता है आपके सामने, दैट इज टॉप वर्किंग। टॉप वर्किंग जब भी आए तो आप एक वर्ड याद रखो, रीजुविनेशन। ये जब भी आपको वर्ड दिख जाए, क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा मेथड रीजुविनेशन से रिलेटेड है, तो आप बोल दो वो टॉप वर्किंग आंसर होगा। टॉप वर्किंग का मतलब होता है, मान लो आपके पास कैश्यू प्लांट, ये मेनली कैश्यू एंड मैंगो में यूज होता है टॉप वर्किंग, आपको याद रखना है, ठीक है, कैश्यू ट्री एंड मैंगो ट्री बोथ आर क्लासिक एग्जांपल्स फॉर टॉप वर्किंग। इसका नाम देखो क्यों टॉप वर्किंग पड़ा, मान लो आपके पास एक मैंगो प्लांट है और मैंगो प्लांट बहुत ओल्ड हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो जो फल आने हैं वो बंद हो जाएंगे, तो और इसका रूट सिस्टम तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका हुआ है इन इतने लंबे समय में, और फल आने बंद हो गया, तो आप इस रूट सिस्टम को यूज़ करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, ये पूरे प्लांट की इन्होंने छटाई कर दी है, और जो बेस पोर्शन है जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, जनरली बेस को हम स्टॉक बोलते हैं, उसको हम बचा के रखेंगे और ऊपर वाला पार्ट पूरा कटाई छटाई से हटा देंगे, और हम ग्राफ्टिंग के मेथड से यहाँ पे नए प्लांट के सायन को ला के जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे न्यू प्लांट जोड़ देंगे, दैट इज सायन बोलते हैं हम, नीचे वाला प्लांट को स्टॉक बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हम सायन बोलते हैं, वो जोड़ देंगे, तो नया प्लांट आ गया, तो इसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी,
और नीचे से रूट तो सप्लाई कर ही रहे हैं न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, तो फल आने फिर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके प्लांट में, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं टॉप वर्किंग या फिर रिजुविनेशन मेथड, जिससे हम रिजुविनेट जान डाल देते हैं हमारे क्रॉप्स में, और ये यूज होता है किसमें, कैश्यू एंड मैंगो में। नेक्स्ट आते हैं हमारे मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ फ्रूट्स में। तो मैच्योरिटी इंडिसेस आप समझते क्या हो, मैच्योरिटी इंडिसेस का मतलब होता है एक इंडिकेशन जिससे कि आप समझते हो कि फ्रूट्स आर रेडी टू गेट हार्वेस्टेड, तो हार्वेस्टिंग का समय आ गया, ये आप मैच्योरिटी इंडिसेस से ही समझते हो। अगर हम मैंगो की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम समझते हैं, मान लो एक आम आपने तोड़ा पेड़ से, उसे आप पानी में डाल देते, अगर वो आम डूब जाता है क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक है, तो आप समझ जाओगे क्या है कि आम जो है आपके ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर हम 1 लेते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से 1.02 रेंज करती है, तो डूब जाएगा, दैट इज सिंक हो जाएगा, तो मींस आम पकने के लिए तैयार हो गया। टीएसएस की बात करें, टीएसएस का मतलब होता है टोटल सॉल्युबल सुगर, मींस जो सुगर कंटेंट है वो मैंगो का कितना है, तो इसे हम हमेशा मेजर करते हैं, जो हमारा शुगर कंटेंट है हम ब्रिक्स से मेजर करते हैं, ब्रिक्स एक यूनिट है टू मेजर दी टोटल सॉल्युबल शुगर। इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम में कितने ग्राम आपके शुगर है, तो अगर 11 से 15 हो जाए डिग्री, दैट मीन्स 11 से 15 ग्राम होगा आपके पर 100 ग्राम ऑफ मैंगो शुगर अवेलेबल होगा, तो हम उसे बोलते हैं ठीक है वो आम पक गया या फिर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया, तो दैट इज टीएसएस, 11 से 15 वैल्यू होने चाहिए। तो आप डिफरेंट इंडिसेस को याद रखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसमें यूज होते हैं, टीएसएस कंसेप्ट किसमें यूज होते हैं, तो ये दोनों मैंगो में यूज हो रहे हैं। बनाना की बात करें तो पल्प पिल रेशियो की बात होती है, पल्प पिल रेशियो जब भी आपको दिख जाए तो बनाना का ये हार्वेस्टिंग इंडेक्स है। आपको ये फिगर्स नहीं याद है कोई बात नहीं है, आप इतने याद रखिए कौन सा पैरामीटर किस क्रॉप के लिए यूज हो रहा है, मैंगो के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी या टीएसएस यूज कर रहे हैं, बनाना के पल्प पिल रेशियो यूज कर रहे हैं, दे विल आस्क क्वेश्चन लाइक दैट पल्प पिल रेशियो हार्वेस्टिंग या फिर मैच्योरिटी इंडिसेस इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, तो पल्प पिल हमेशा बनाना के लिए यूज होते हैं, टीएसएस इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, मैंगो से रिलेट कर रहे हैं। ग्रेप की बात करें तो ग्रेप में टीएसएस देखो 16 से 24% है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैंगो में देखो उसमें कम है इसमें ज्यादा है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। पपाया, पपाया में क्या है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट व्हेन द स्किन कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू येलो, ठीक है, तब ये हार्वेस्टिंग के लिए, तो अब तो वो तो खुद ही जनरल नॉलेज से भी समझ सकते हो, अगर पपीता जो हल्का पीला हो गया तब भी वो पकने लायक है। ये क्वेश्चन बहुत से टाइम पूछे जाते हैं कि डल हॉलो साउंड ये किस फ्रूट से रिलेटेड है, डल हॉलो साउंड हमेशा जैक फ्रूट से रिलेटेड होता है, डल हॉलो साउंड इज रिलेटेड टू मैच्योरिटी इंडिसेस ऑफ विच क्रॉप, दैट इज जैक फ्रूट, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने क्रॉप दैट इज पोमोग्रेनेट, तो पोमोग्रेनेट से आप क्या समझते हो, द फ्रूट्स आर रेडी टू हार्वेस्ट आफ्टर 135 टू 170 डेज आफ्टर एंथेसिस। एंथेसिस का मतलब क्या होता है, जब भी जो पोमोग्रेनेट के फ्लावर होते हैं ठीक है उसके फ्लावर जब ओपन हो जाते हैं तो ओपनिंग स्टेज को हम बोलते हैं एंथेसिस, व्हेन द फ्लावर ओपन्स दैट इज कॉल्ड एंथेसिस। तो फ्लावर के ओपन होने के 135 से 170 डेज में पोमोग्रेनेट क्या होता है, रेडी टू बी गेट हार्वेस्टेड। सिट्रस की बात करें तो सिट्रस में भी वही है आपका कंसेप्ट, दैट इज मिनिमम जूस कंटेंट जो होना चाहिए, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। वाशिंगटन नबल टाइप के जो ऑरेंज होते हैं ये वैरायटीज ऑफ ऑरेंज है, ठीक है, वाशिंगटन नबल इज अ टाइप ऑफ ऑरेंज, इसमें 30% जूस होना चाहिए तभी आप हार्वेस्ट करें, अदर ऑरेंज वैरायटीज में ये 35% है। अगर ग्रेप फ्रूट की बात करें जैसे आप चकोतरा भी बोलते हैं हिंदी में, दैट इज 35% होना चाहिए। मैंडरिन ऑरेंज, इसमें कीनू अवेलेबल है अभी मार्केट में, तो कीनू वाले ऑरेंज में 33% जूस होने चाहिए, ग्रेप फ्रूट चकोतरा 35%, तो ऑलमोस्ट देख रहा 30 to 35% के बीच में ये रेंज लाई कर रहा है। सिमिलरली फॉर लाइम्स एंड लेमन्स ये 25% है जो कि कम है, बाकी जो हमने मैंडरिन या फिर किनो वैरायटीज को देख लिया जहां 35% था 30% था, लेमन्स में जाके ये मिनिमम जूस परसेंट जो है कम हो जाता है 25%। तो ये हमने देख लिया दोस्तों हमारे बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, हमने स्टार्ट किया हॉर्टिकल्चर के डेफिनेशन को देख के, हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं वो हमने देखे, फिर हमने देख लिया कि हमारे पास कौन कौन से हॉर्टिकल्चर जोन्स हैं इंडिया में जो बेसिकली 3 types है, ठीक है, फिर हमने ट्रेनिंग प्रूनिंग मेथड्स देखे हैं उसके टाइप्स देख लिए, फिर हमने मैच्योरिटी इंडिसेस को देख लिया, अब बारी आती है किस चीज़ की, अब बारी आती है डिफरेंट पोमोलॉजी फ्रूट्स जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं उनको देखने की। तो चलिए अब हम देखते हैं डिफरेंट हमारे पास क्या क्या फ्रूट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्रॉप है दैट इज मैंगो, मैंगो को तो हम फलों का राजा बोलते ही हैं, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, फील्ड प्रिपरेशन जो हमेशा पिट होते हैं हॉर्टिकल्चर, कोई भी आप क्रॉप ले लो
हमेशा जो पिट्स जो हम गड्ढे खोदते हैं ठीक है प्लांट को प्लांटेशन के लिए, वो हमेशा 1 बाई 1 बाई 1 का ही होता है ठीक है, 1 मीटर डीप, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर लेंथ। तो लेंथ ब्रेथ डेप्थ 1 1 1 होता है सारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। इसमें आपको ऐसा कुछ याद नहीं रखना, मेन थिंग जो हमें याद रखनी है वो स्पेसिंग के बारे में है। स्पेसिंग में भी आपको सारी स्पेसिंग याद नहीं रखनी है, मोस्टली आप याद रखो HDP प्लांटिंग जब भी होगा मैंगो का तो 5 बाई 5 मीटर में ही होगा। और हम हाई डेंसिटी प्लांट के लिए कौन सी वैरायटी यूज करते हैं आप याद रखोगे, एक ही है, दैट इज अम्रपाली, इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अम्रपाली आपने सुना भी होगा, ये हम अपने घर में भी लगाते हैं, जो छोटे से पौधे में ही आम के फल आ जाते हैं, वो कौन सी वैरायटी है, वो अम्रपाली की वैरायटी है ठीक है, आपको याद रखना है। तो अम्रपाली इज यूज फॉर HDP, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें स्पेसिंग कितने होंगे, 5 बाई 5 मीटर के। अगर ये स्पेसिंग से आप कैलकुलेट करोगे तो 400 प्लांट्स पर हेक्टेयर होते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है ये हमने हमारे पहले चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया है हाउ टू कैलकुलेट दी ठीक है प्लांट डेंसिटी। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ मैंगो और उनके कुछ टिपिकल कैरेक्टर जो आपको याद रखने हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्फांसो, अल्फांसो तो आम में सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम जो है अल्फांसो ही है ठीक है। ये आपके कहाँ पाए जाते हैं, अल्फांसो आम, जिससे कि आपके स्लाइस भी बनते हैं, तो अल्फांसो आम पाए जाते हैं महाराष्ट्र एंड गोवा में, हमेशा ये सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होते हैं अल्फांसो मैंगो के। इंडिया में और ये कहीं नहीं होता है, महाराष्ट्र गोवा और कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका आप बोल सकते हैं वहां पर अल्फांसो मैंगो होते हैं। तो सबसे बेस्ट अल्फांसो इंडिया में गोवा में मिलते हैं, बट ये इतने और ज्यादा फेवरेट होने के बावजूद भी इसमें एक डिमेरिट है, स्पंजी टिश्यू। स्पंजी टिश्यू जो है ये एक डिजीज है जो ये अल्फांसो मैंगो में होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। ये बेस्ट एक्सपोर्ट है, सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट अल्फांसो ही होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, महाराष्ट्र गोवा में होता है, इट इज ससेप्टेबल टू स्पंजी टिश्यू एंड इट्स बेस्ट एक्सपोर्टिंग वेरायटी। चौसा की बात करें तो लेट वेरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, बस इतना याद रखो, चौसा वेरायटी जो है नॉर्थ इंडिया में लेट वेरायटी, मीन्स सीजन के काफी लेट में यह वेरायटी आता है। बंगन पल्ली की बात करें तो ये जो आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट वेरायटी है, और इसे आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आंध्र प्रदेश को इसके लिए इसके GI टैग मिला है, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिला कि बंगन पल्ली जो मैंगोज है वो ओरिजिनली बिलोंग टू आंध्र प्रदेश ओनली। नेक्स्ट हम बात करें अगर बॉम्बे ग्रीन की, तो अर्लीस्ट वेरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, इससे पहले हमने लेट वेरायटी चौसा देखा था, और अर्लीस्ट वेरायटी क्या हो गया आपके सामने है ये बॉम्बे ग्रीन। तो आपको याद रखना है कि कौन सी लेट वेरायटी कौन सी अर्ली वेरायटी है, पूछ ले जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अर्ली वेरायटी, तो आपको याद रखना है कौन सी वेरायटी अर्ली है कौन सी लेट है। तो जो जो मैंने लिख दिया बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। अगर हम केसर की बात करें तो गुड प्रोसेसिंग वैरायटी ऑफ गुजरात, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज अ वेरी गुड प्रोसेसिंग वैरायटी ऑफ मैंगो फ्रॉम गुजरात, तो वो केसर होगा। लंगरा ये नॉर्थ इंडियन वैरायटी है, उसमें टर्पेंटिन फ्लेवर आती है, टर्पेंटिन फ्लेवर एक केमिकल है जिसका फ्लेवर इसमें पाया जाता है, तो यही एक वैरायटी है जिसमें ये फ्लेवर आता है ठीक है, ये नॉर्थ इंडियन वैरायटी और ये फ्लेवर। आप ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैंगो वैरायटी इज रिलेटेड टू नॉर्थ इंडिया एंड हैज अ टर्पेंटिन फ्लेवर, सिर्फ लंगरा में ही पाया जाता है। निरंजन एक ऑफ सीजन वैरायटी है, मीन्स आपको ये ऑफ सीजन में मिल जाएगा, गर्मियों के दिन में ना मिलकर ठंडे के दिन में आपको ये मिल जाएगा, ठंड के मौसम में भी ये मिल सकता है। लाल सिंदूरी ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है, ये आम तो काफी कॉमन है नॉर्थ इंडिया में, लाल सिंदूरी आपने देखा होगा ठीक है, तो ये लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज्यादा फिजिबल है ये। तो अगर आप फजली की बात करो, ये बिहार एंड वेस्ट बंगाल के वैरायटी है जो कि काफी बड़े साइज के आम होते हैं फजली। नेक्स्ट इज दशहरा, दशहरा इज रिलेटेड टू यूपी, यूपी की वैरायटी है दशहरा। तो आ जाते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ मैंगो ठीक है। तो हाइब्रिड वैरायटीज जो है हमेशा क्रॉस से बनते हैं, एक मेल पेरेंट होता है एक फीमेल पेरेंट होते हैं ठीक है, तो इस तरह से हमेशा क्रॉस से बनते हैं आपके हाइब्रिड। तो अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट वैरायटी अम्रपाली, अम्रपाली मैंने आपको अभी बताया ये किस लिए फेमस है, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए फेमस है। इसके स्पेसिंग कितना है आपको मैंने बताया, स्पेसिंग इज अराउंड 5 × 5 × 5, दैट इज स्पेसिंग फॉर अम्रपाली, और ये क्रॉस से बना है दशहरी इंटू नीलम, ADN से आप याद रख सकते हैं अम्रपाली को, ADN लाइक अदनान स्वामी, अदनान स्वामी के कोड से आप याद रख सकते हैं इसे, दैट इज ADN, दैट इज A फॉर अम्रपाली, D फॉर दशहरा एंड N फॉर नीलम ठीक है। जो पहला प्लांट होता है वो हमेशा फीमेल होता है, फर्स्ट इज योर फीमेल प्लांट, फीमेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, और दिस टाइप के एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं मेल प्लांट को। तो सेकंड इज ऑलवेज योर मेल प्लांट, तो फीमेल इंटू मेल के क्रॉस से बना अम्रपाली, दैट इज दशहरी आम जो हमने अभी देखा, इंटू नीलम, इन दोनों को क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास बन जाता अम्रपाली। नेक्स्ट इज योर मलिका, मलिका जो है ठीक इसका उल्टा होगा, दशहरा इंटू नीलम, अगर हम नीलम, नीलम के ठीक है फीमेल प्लांट को ले लें और दशहरा के
ठीक है, मेन प्लांट को ले ले, तो उससे जो हमारे पास हाइब्रिड बनेगा दैट इज मलिका, और इसका टिपिकल कैरेक्टर कैडमियम येलो कलर का होता है ये, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है जो मैंने मेंशन किए हैं, जिससे कि आप पहचान सकते हो कौन सा आम किससे रिलेटेड है। तो इसी तरह से डिफरेंट हाइब्रिड्स और उनके क्रॉस है जिससे आप याद रख सकते हैं। मैंने लास्ट में जो है हमारे समरी वाला जो पार्ट है लास्ट में, उसमें मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट में सारे जो हाइब्रिड्स है उनके क्रॉस को दे दिया, वहां पे जाके भी आप याद रख सकते हैं डिफरेंट वेराइटीज। रत्ना हो गया आपके सामने, तो रत्ना जैसा कि नाम ही RATNA, लास्ट में एन इंटू ए है, दैट इज नीलम इंटू अल्फांसो। ठीक, आप उल्टा कर दोगे, अल्फांसो इंटू नीलम कर दोगे, रत्ना कर दोगे, तो आपका सिंधु आ जाता है। ठीक है, तो ये दोनों देख लो एक दूसरे का अपोजिट है, अर्का नीलिकरण, अर्का रत्ना। तो जितने भी अर्का वैरायटीज होते हैं वो IIHR बैंगलोर इंस्टीट्यूट से आते हैं। ठीक है, इस तरह से आप रिलेट करके इसे आप देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने डिसऑर्डर्स जो हमारे मैंगो प्लांट में पाए जाते हैं, कुछ कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सबसे पहला अल्टरनेट बियरिंग, उतने आपको डीप में नहीं पढ़ना है, बस आप याद रखो अल्टरनेट बियरिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, इट इज रिलेटेड टू मैंगो। अल्टरनेट बियरिंग में क्या होता है कि मैंगो क्रॉप का ये पर्टिकुलर बिहेवियर आप बोल सकते हो, ठीक है। एक साल क्या होगा, उस प्लांट में मैंगो आएगा, अगले साल नहीं आएगा, फिर वह थर्ड ईयर में आएगा। तो ये बिहेवियर जो है मैंगो प्लांट द्वारा ही शो होता है, दैट इज अल्टरनेट बियरिंग। मैंगो प्लांट इज क्वाइट फेमस फॉर दिस। 1 ईयर आएगा, सेकेंड ईयर नहीं आएगा, थर्ड ईयर आएगा, ठीक है, फिर फोर्थ ईयर में फिर बंद हो जाएगा, लाइक दैट इट विल गो ऑन। तो इस डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए हम पैल्कोबुट्राजोल केमिकल यूज करते हैं। बस आपको यही दो यूज रखना है, चीजें याद रखनी है कि अल्टरनेट बियरिंग हमेशा मैंगो में होता है, और इसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, दैट इज पैक्लोबुट्राजोल। नेक्स्ट इज मैंगो माल फॉर्मेशन। माल का मतलब होता है बैड, तो जो मैंगो के शेप एंड साइज जो फॉर्म होंगे लास्टली वो बैड शेप में होंगे और जो मार्केटेबल नहीं होंगे, तो इससे क्या होता है ह्यूज लॉस होता है। ये होता क्यों है, जब माल फॉर्म पैनिकल्स, पैनिकल्स हम किसको बोलते हैं, मैंगो के जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम पैनिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वहीं इनिशियली अच्छे नहीं बनते हैं, तो अगर फ्लावर्स ही अच्छे नहीं बने तो मैंगो के शेप कैसे बनेंगे, लास्ट में माल फॉर्म शेप बनेंगे, तो इसे हम बोलते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। इसके लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, NA। अल्टरनेट बियरिंग के लिए कौन सा हमने केमिकल यूज किया था, पैक्लोबुट्राजोल। डोज वगैरह आपको याद नहीं रखना, बस किस डिसऑर्डर के लिए कौन से आपके केमिकल यूजर है, बस इतना ही याद रखें। तो आप फिगर में आप देख सकते हैं माल फॉर्म पैनिकल्स, दैट इज इरेगुलर फ्लावर्स, जो ये मैंगो के फ्लावर्स हैं, ठीक है, इन्हीं से मैंगो बनते हैं। तो आप ब्राउन ब्राउन स्पॉट्स देख सकते हैं, माल फॉर्म फ्लावर्स हो गए आपके, तो अगर ये माल फॉर्म रहता है आपके फ्रूट्स भी माल फॉर्म्ड होंगे। ब्लैक टिप जो है ये भी एक डिसऑर्डर है मैंगो से रिलेटेड, इसमें आपको याद रखना है कि वही ये होता है जहाँ पे कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई इंडस्ट्री है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड एमिट कर रही है वो इंडस्ट्री, तो उसी एरिया में क्या होगा, ब्लैक टिप होगा। तो पूछे जाते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूटिंग एरिया में कौन से डिसऑर्डर ऑफ मैंगो का पाया जाता है, द आंसर भी ब्लैक टिप, बस इतना ही याद रखना है आपको इसमें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर जो आपको याद रखना है स्पंजी टिश्यू, जो मैंने आपको बताया था किस मैंगो में सबसे ज्यादा होता है, अल्फांसो मैंगो में होता है। इसमें क्या होता है, जो आपको पल्प होता है, ठीक है, वो क्या होता है येल्लोइश हो जाता है एंड सावर हो जाता है, मीन्स खाने लायक नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा पिलपिला सा होगा, उसमें वाटरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, और अजीब सा एक स्मेल आएगा उसमें से। तो यही होता है स्पंजी टिश्यू, जिसमें जो टिश्यू होता है मैंगो का वो स्पंजी टाइप हो जाता है, ठीक है, काफ़ी पानी से भर जाता है और खाने लायक नहीं होता है। तो इसके लिए हम कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी यूज़ करते हैं, लाइक रत्ना और अर्का पुनीत, जो ये रेजिस्टेंट टू क्या है, स्पंजी टिश्यू, इनमें ये डिजीज नहीं होता है, जिसको हम अल्फांसो की जगह यूज करते हैं इन दोनों वैरायटीज, दैट इज रत्ना एंड अर्का पुनीत आर क्वाइट रेजिस्टेंट टू स्पंजी टिश्यू। ये आपको याद रखना है स्पंजी टिश्यू किस में होता है और इसके रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन से हैं। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो एरिया आपका शो कर रहा है स्पंजी टिश्यू से अफेक्टेड है, तो इस तरह के आम जो है खाने लायक नहीं होते हैं। नीचे अब आ जाते हैं हम डिसऑर्डर पढ़ने के बाद पेस्ट एंड डिजीज से रिलेटेड। तो मैंगो हॉपर, आपको बस इतना ही याद रखना है मैंगो हॉपर जो है वो किससे रिलेटेड है, वो मैंगो से रिलेटेड है, उसका साइंटिफिक नेम दैट इज बॉटनिकल नेम आप बोल सकते हैं क्या है इस मैंगो हॉपर का, तो एमेरोटिडस एटकिंसोनी। ये क्वेश्चन मैं जहाँ तक बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जर्नलिस्ट एग्जाम में, ये स्पेशलिस्ट वालों को, ठीक है, मेन्स में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो मैंगो के पास आप पेस्ट याद रखें कौन से पेस्ट मैंगो का इफेक्ट करते हैं, इससे ज़्यादा ये जो डोज वगैरह मैंने दे रखा है ये थे जस्ट फॉर नॉलेज से, आपको इतना याद नहीं रखना है, बस जो मैंगो हॉपर है इसका नाम क्या है साइंटिफिक नेम और ये किस क्रॉप से रिलेटेड है, बस आपको इतना ही याद रखना है। उसी तरह से नट वीविल हो गया, ठीक है, या स्टेम बोरर हो गया, जो ब्रैकेट में मैंने दे रखा है, दिस आर ऑल साइंटिफिक नेम ऑफ द
इंसेक्ट और पेस्ट वट एवर इट मे बी, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस आप याद रखें स्टेम बोरर इज रिलेटेड टू मैंगो, नट वीविल इज रिलेटेड टू मैंगो, लाइक दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज योर बनाना। बनाना में हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं जनरली बनाना, दैट इज डेजर्ट टाइप। डेजर्ट टाइप जिसे हम कच्चा खा सकते हैं, दैट इज विच कैन बी ईटन रॉ, छिल लिया और खा लिया। और नेक्स्ट वन इज अ क्यूलिनरी पर्पस, लेस कच्चा केला जो ग्रीन कलर के होते हैं जिसे हम पका के ही खा सकते हैं, जिसके हम वेजिटेबल्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से वैरायटीज आपके डेजर्ट में आएंगे? रोबस्टा, ये वैरायटीज जो है बनाना के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। रोबस्टा, डॉर्क कैवेंडिश, ग्रैंड नैनी, रसथाली, पुवन, नेंद्रन, आप एक कोड बना ले, आप कोड बना के लाइक डॉक्टर समथिंग आप रख सकते हैं, डी फॉर डॉर्क कैवेंडिश, आर फॉर रोबस्टा, ग्रैंड नैनी, डॉक्टर ग्रैंड नैनी इट्स इन रस थाली, लाइक दैट यू कैन रिमेंबर डॉक्टर ग्रैंड नैनी इट्स इन रस थाली। ये सारे डिजर्ट वैराइटीज हो गया। क्यूलिनरी की बात करें तो मोन्थन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, मोन्थन और नेंद्रन। नेंद्रन जो हम डुअल वैराइटी, जिस ये एक ऐसा वैराइटी है जिसको हम ठीक है डायरेक्ट भी खा सकते हैं या फिर इसकी सब्जी बना के भी खा सकते हैं। तो नेंद्रन हो गया, मोन्थन, ठीक है, चकिया आर एग्जाम्पल ऑफ क्यूलिनरी वैराइटीज। तो ये कुछ स्पेसिंग्स है आपके बनाना के जिसे आपको याद रखना है, ठीक है। स्पेसिंग में आपके डिफरेंट जो वैरायटीज हमने देखा अभी उनके स्पेसिंग अलग अलग है, लाइक ड्वार्फ कैवेंडिश की अगर हम बात करें, ये छोटे वैरायटी का, तो इसमें स्पेसिंग जो है कम है, ठीक है। अगर हम रोबस्टा या नियंत्रण की बात करें 1.8, तो ये तीनों बस आप याद रखें, ज़्यादा याद नहीं रखना है आपको, दिस थ्री ओनली, कि ड्वार्फ कैवेंडिश में क्या है, रोबस्टा में क्या है, एंड रसथाली में क्या है स्पेसिंग, 15, 18, 21 ऐसे आप याद रख सकते हैं, 15, 18, 21, लाइक दैट। बनाना में डिजीज आपको याद रखना है, कौन से डिजीज जो किससे होते हैं, लाइक दिस इज एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ सिगाटोका। तो सिगाटोका डिजीज जो है किससे होता है, बस आपको याद रखना फंगस से होता है, और ये बनाना से होता है, बस आपको इतना ही याद रखना है, सिगाटोका बनाना फंगस। बंची टॉप एफिड से होता है, और एफिड जो है ये ठीक है पेंटालोनिया निग्रो नर्वेसा इज द वेक्टर ऑफ बंची टॉप वायरस, ठीक है, आपको इतना याद रखना। बंची टॉप किस में? बनाना में होगा। बनावा डिजीज किस में होगा? फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, ठीक है, ये एक फंगस है, फंगस का नाम है ये फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, कंफ्यूज नहीं होना, इतना याद नहीं रख सकते, तो बस इतना ही याद रखें, पनामा डिजीज बनाना में होगा, किससे होगा? ये फंगस से होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं सिट्रस की ओर। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं बेसिकली थ्री टाइप्स में से डिवाइड किया गया, मैंडरिन, स्वीट ऑरेंज एंड कागजी लाइम। जो मैंडरिन होता है सिट्रस रेटिकुलेट के नाम से जाना जाता है, इनको आप याद रखें, सिट्रस रेटिकुलेट इज मैंडरिन, सिट्रस साइनेंसिस इज स्वीट ऑरेंज, एंड सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इज कागजी लाइम, ठीक है। तो इनके आपको वैरायटीज को बस याद रखना है कि मैंडरिन के अंदर कौन कौन से वैरायटीज आएंगे, लाइक लड्डू, ठीक है, कुर्ग किनो, किनो बहुत ही फेमस है, ये किसके क्रॉस है इसको आप याद रखें, किंग स्वीट इनटू विलो लीफ, ठीक है, जो किनो वैरायटी है ये मैंडरिन के अंदर आते हैं, लाइक दैट आपको इनके स्वीट ऑरेंज एंड कागजी लाइम के भी वैरायटीज को बस याद रखना है कि कौन से वैरायटीज किससे रिलेटेड है। बेसिकली सिट्रस को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो सिट्रस में कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक ग्रैनुलेशन इज रिलेटेड टू सिट्रस, बस आपको इतना याद रखना है, ग्रैनुलेशन किस हॉर्टिकल्चर क्रॉप से रिलेटेड है? सिट्रस से रिलेटेड है। एक्जेंथेमा किससे रिलेटेड है? सिट्रस से रिलेटेड है, और किसके डिफिशियंसी से होता है? ये कॉपर के डिफिशियंसी से होता है। सिमिलरली येल्लो लीफ ऑफ सिट्रस मॉलिब्डेनम के डिफिशियंसी से होता है। डाईबैक किससे होगा? कॉपर के डिफिशियंसी से। मैंने ये आपको पहले ही हमारे किस लेक्चर में बताया, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्टम वाले लेक्चर में बताया कि कॉपर जब भी आएगा उससे डाईबैक होता है। डाईबैक में क्या होगा, जो प्लांट है वो अपर पोर्शन से ठीक है डेड होना स्टार्ट होगा। लिटिल लीफ भी कॉपर के डिफिशियंसी से ही होता है। ये दोनों जो पेस्ट है काफी इंपॉर्टेंट है सिट्रस फैमिली, दैट इज लेमन बटरफ्लाई एंड फ्रूट सकिंग मोथ। इनके जो साइंटिफिक नेम है ये भी इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे जर्नलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो, बिकॉज लेमन बटरफ्लाई पैपिलो डेमोलस आपको दे देंगे और पूछेंगे ये किस क्रॉप से रिलेटेड है, ठीक है। पैपिलस डेमोलस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ सिट्रस, तो इसे हम लेमन बटरफ्लाई कॉमनली नाम से जानते हैं, आप इस फिगर से याद रख सकते हो। इसे हम किससे कंट्रोल करते हैं? बैगिंग से। जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं छोटे छोटे हम बटर बैग्स बनाते हैं, उससे उसको ढक के उससे प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलरली फ्रूट सकिंग मोथ, फ्रूट सकिंग मोथ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ सिट्रस। इसका नाम क्या? ऑथरिस फिलोनिका। सारे के तो नहीं आपको नाम याद रखने हैं, बट ये दोनों आप याद रखिए, लेमन बटरफ्लाई के क्या साइंटिफिक नेम है और फ्रूट सकिंग मोथ के क्या साइंटिफिक नेम है, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं पपाया में। पपाया जो है पॉलीगैमस प्लांट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। पॉलीगैमस का ये मतलब होता है कि एक ही प्लांट ऐसा है जो पपाया जिसमें सारे ब्रीड्स मिलते हैं आपके, मीन्स पॉली मीन्स दो से ज्यादा, तो दो से क्या ज्यादा, दो से ज्यादा मीन्स
आपके पपाया में मेल पैरेंट प्लांट भी मिल जाएंगे, फीमेल प्लांट भी मिल जाएंगे, और हर्माफ्रोडाइट दैट इज ए प्लांट शोइंग बोथ द मेल एंड कैरेक्टर्स, मेल एंड फीमेल कैरेक्टर्स, ऐसे भी प्लांट मिल जाएंगे। दैट मीन्स पॉलीगैमस में क्या हो गया, आपके मेल प्लांट भी आपके पास मिल जाएंगे, फीमेल प्लांट भी मिल जाएंगे, और ऐसे प्लांट भी मिल जाएंगे जो कि हर्माफ्रोडाइट होंगे, मीन्स दैट विल शो बोथ द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर। तो पपाया एक क्लासिक एग्जाम्पल है हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉस में विच शोज पॉलीगैमस बिहेवियर, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जो येल्लो पिगमेंट है पपाया में, आप येल्लो कलर देखते हो किस के चलते होता है, कैरिका जैंथिन के चलते होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। एंड पपाया इज ए पेप्सिन एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को, ठीक है, डिग्रेड करता है या फिर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सीड रेट आप याद रखें पपाया के, ये क्वेश्चन बहुत से टाइम एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पपाया के लिए सीड रेट क्या होता है, तो 250 टू 300 ग्राम्स पर हेक्टेयर, ठीक है, होता है, ये आपको याद रखना है। सीड रेट ऑफ गैरेंडियस क्रॉप्स दैट इज बाइसेक्सुअल एंड फीमेल, दोनों टाइप के, ठीक है, फ्लावर्स होंगे आपके उस प्लांट में, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी होंगे, दैट इज हर्माफ्रोडाइट शोइंग बोथ द मेल एंड फीमेल कैरेक्टर, बाइसेक्सुअल नाम ही है, प्लस फीमेल दैट इज फीमेल कैरेक्टर, तो इस तरह के प्लांट्स होते हैं, या फिर डायोसियस हैविंग टू डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल होंगे। देखिए गायनोडियसिस में बाइसेक्सुअल प्लस फीमेल का कॉम्बिनेशन होगा, और डायोसियस डाई मीन्स दो होंगे, क्या होंगे, मेल एंड फीमेल, जो कि जनरल होता है। तो इसके रेट्स भी आपके कितने हैं, 250 टू 300 ग्राम्स है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। एंड आ जाते हैं हम सीड रेट ऑफ डायोसियस, तो इसमें क्या है, 400 टू 500 ग्राम। जो आपके गायनोडायोसियस है इसके रेट्स कितने हैं, 250 टू 300। जो डायोसियस है उसके कितने सीड रेट है, 400 टू 500। तो दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। 250 से 300 कब होगा और 400 से 500 कब होगा, जब भी आप वैरायटीज यूज कर रहे हैं जो कि गायनोडायोसियस है, तो वहां पे आपको 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर के यूज करने हैं। जहां डायोसियस वैरायटीज के आप यूज कर रहे हैं तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर। तो तीनों टर्म इंपॉर्टेंट है पपाया में, पॉलीगैमी, गायनोडायोसियस एंड डायोसियस। स्पेसिंग और पूसा नन्हा, ये पूसा नन्हा को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ पपाया, पूसा नन्हा बिल्कुल नहीं भूलना है। और इसके इसलिए स्पेसिंग क्या है, 1.25 मीटर इंटू 1.25 स्क्वायर मीटर, ठीक है, इसमें अराउंड 6000 प्लांट्स आ जाते हैं एक हेक्टेयर में, राइट। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पपाया, तो हमने बाकी प्लांट्स में भी बहुत सारे पेस्ट डिजीज देखे, तो पपाया में सबसे सीरियस है पीथियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जिससे कि डैम्पिंग ऑफ होता है। ये एक फंगस है, फंगस का साइंटिफिक नेम है, इतना तो याद ना रखें, बस डैम्पिंग ऑफ होता है इतना याद रखें। रिंग स्पॉट एफिड्स होता है, पपाया लीफ कर्ल जो होता है वायरल डिजीज है, जो कि ट्रांसमिट कौन करता है, व्हाइट फ्लाइज ट्रांसमिट करते हैं। जितने भी वायरल डिजीज होते हैं मोस्टली आर ट्रांसमिटेड बाई व्हाइट फ्लाइज, और पपाया में क्या हो रहा है, पपाया में लीफ कर्ल हो रहा है, ठीक है। तो आगे आपके सामने पपाया के कुछ गायनोडायोसियस वैरायटीज एंड डायोसियस वैरायटीज। तो गायनोडायोसियस में मैंने आपको बताया फीमेल प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट दैट इज हर्माफ्रोडाइट शोइंग बोथ फीमेल एंड मेल कैरेक्टर वाले फ्लावर्स एक ही प्लांट में पाए जाएंगे, और डायोसियस, ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल जो कैरेक्टर्स दोनों अलग अलग शो करेंगे। तो इनके एग्जाम्पल्स आप याद रखें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दोनों के आपको याद रखना है, कोड बना के आप याद कर ले। गायनोडायोसियस में पूसा डिलीशियस, मैजेस्टी, ताइवान, सूर्या, सनराइज सोलो, ये सारे पपाया के वैरायटीज है। सनराइज सोलो इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, पपाया के वैरायटी। डायोसियस में पूसा जाइंट, पूसा ड्वार्फ, ठीक है, पूसा नन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल पूसा नन्ना, ये आप देख सकते हैं पूसा नन्ना, छोटे से प्लांट, नन्ना से प्लांट है, पर इसमें कितने पपाया, ये हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए पूसा नन्ना। मैंगो में कौन सा प्लांट यूज हो रहे थे हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, अम्रपाली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज योर एप्पल, दिज आर ऑल वैराइटीज रिलेटेड टू एप्पल। तो आप एप्पल के आपको वैराइटीज याद रखने हैं, कौन सी अर्ली वैराइटीज है, कौन से मिड सीजन वैराइटीज है, कौन से लेट वैराइटीज है, इतना नाम भी याद रखें। तो ये जो नाम आपको दिख रहा है, आयरिस पीच, जाउस पेपिन, केकेएल, कारिंगटन, रोम ब्यूटी, ठीक है, रोम ब्यूटी, तो ये बहुत से टाइम पूछे जाते हैं एग्जाम में कि रोम ब्यूटी इज रिलेटेड टू विच हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तो रोम ब्यूटी रिलेटेड आपके एप्पल से। पार्लियंस ब्यूटी, ये सारे वैराइटीज किसके हैं, ये सारे वैराइटीज है आपके एप्पल के। तो एप्पल की अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज की, तो आपको याद रखना है क्राउन गॉल, क्राउन गॉल इज रिलेटेड टू एप्पल, ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे क्राउन गॉल इज रिलेटेड टू विच हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तो आपको याद रखना है क्राउन गॉल इज रिलेटेड टू एप्पल, और ये क्राउन गॉल होता किससे, एग्रोबैक्टीरियम से, बस इतना याद रखें आप, एग्रोबैक्टीरियम से क्राउन गॉल होता है, ये एक बैक्टीरिया, फंगस नहीं है, ये बैक्टीरिया है, इसीलिए आपको स्पेशली याद रखना है ये ऐसा डिजीज है बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से फायर ब्लाइट इज रिलेटेड टू एप्पल।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप इज योर पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट को हम साइंटिफिकली जानते हैं पनिका ग्रेनेटम के नाम से, ये ईरान से आया है। आपको याद रखना है कि पोमोग्रेनेट इज ओरिजिनल क्रॉप ऑफ ईरान। इसमें तीन टाइप्स के हम पढ़ते हैं पोमोग्रेनेट रिलेटेड टू देयर फ्लावरिंग सीजन, मीन्स किस सीजन में कौन सा वैरायटी फ्लावर कर रहा है। तो अंबे बहार की जब भी बात होती है जनवरी फेब में होता है फ्लावरिंग, मृग बहार की जब भी बात होती है जून जुलाई में, और हस्त बहार की जब भी बात होती है सितंबर अक्टूबर। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे, कौन से बहार कब फ्लावर कर रहे हैं इतना आपको याद रखना है, और ओरिजिन कहाँ से पोमोग्रेनेट के, दैट इज ईरान से है। तो ये के सामने आगे कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ पोमोग्रेनेट जिसे आपको याद रखना है, एटलीस्ट आप नेम याद रखें, ज्यादा याद ना रख पाए तो, कि जलोर सीडलेस हो गया, गणेश हो गया, या फिर अरक्ता, मृदुला, रूबी, ये सारे किसके वैरायटीज है, ये पोमोग्रेनेट के वैरायटीज है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए मृदुला रूबी आर दी वैरायटीज ऑफ विच हॉर्टिकल्चर क्रॉप, तो ये एग्जाम्पल से किसके, पोमोग्रेनेट के, आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, ढोलका, भगवा, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू विच क्रॉप, रिलेटेड टू पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट को हम प्रोपागेट कैसे करते हैं, बाय स्टेम कटिंग और एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को हम गुटी भी बोलते हैं आप याद रखेंगे। तो प्रोपागेशन ऑफ पोमोग्रेनेट इज बाई स्टेम कटिंग और एयर लेयरिंग। अगर हम डिजीज की बात करें तो पोमोग्रेनेट में यही है, कुछ खास नहीं, इंपॉर्टेंट डिजीज नहीं है। इंसेक्ट की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए पोमोग्रेनेट में, दैट इज अनार बटरफ्लाई। अनार बटरफ्लाई इज रिलेटेड टू पोमोग्रेनेट और इसको हम बोलते हैं वीराकोला आइसोप्रेट्स। ठीक है, इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, सेम लाइक जैसे हम सिट्रस में सिट्रस बटरफ्लाई से मैनेज कर रहे थे, बटर पेपर से कवर कर देते हैं हमारे फ्रूट को। ठीक है, आपको मान लो यहाँ फ्रूट हो गया, इसे हम बटर पेपर से कवर करके ही कोई भी हमारे पास केमिकल्स इस पेस्ट के खिलाफ काम नहीं करते, अनार बटरफ्लाई के खिलाफ, हम इसे बटर पेपर से ही कवर कर देते हैं ईच एंड एवरी फ्रूट टू सेव आवर पोमोग्रेनेट्स। ओके, नेक्स्ट आपके सामने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर फ्रूट क्रैकिंग। तो फ्रूट क्रैकिंग जब भी होगा पोमोग्रेनेट में वो कैल्शियम ब्रोन या फिर पोटेशियम की कमी से होगा, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, किस फ्रूट की कमी से हो रहा है क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग हो रहा है आपके कैल्शियम बोरोन की डिफिशियंसी से। तो जितने भी हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी उनमें से मैंने जो पोमोलॉजी पार्ट जिसमें हमने डिफरेंट फ्रूट्स और उनके वैरायटीज को देखा, मैंने इस पॉइंट नंबर 16 में समराइज कर दिया। तो आप इन सारे फ्रूट्स और उनके वैरायटीज को एक समरी के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट जो फीचर्स जिससे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया। तो यू कैन लुक हैव अ लुक एट दिस ऑल दी एट पॉइंट नंबर 16 ऑल दी समरी। तो ये था दोस्तों एक मैराथन क्लास फॉर द हॉर्टिकल्चर। तो ये मैंने अपने जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उसको मैंने कवर कर दिया इस सारे लेक्चर में। तो इससे क्या होगा कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस पूरे नोट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में फोकस करना है। तो दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी फोकस्ड माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम दिस पीडीएफ नोट्स। आप चाहें तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस हॉर्टिकल्चर चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।